वट वट इसका मतलब होता है क्या, ये तो हम अक्सर जानते हैं जब भी कभी सेंटेंस में आता है, जैसे आपका नाम क्या है, वट इज योर नेम, तो क्या के लिए आप क्या लगाते हैं, वट। जो जो के लिए भी वट लगाते हैं, कब, एज अ कंजंक्शन। ये बात आपको कंजंक्शन चैप्टर में पता लगेगी। नेक्स्ट है हु, हु मतलब कौन, और जो के लिए भी हु लगाते हैं, ये कंजंक्शंस में पता लगेगा। इसी तरह से विच, विच मतलब कौन सा, या फिर जो, ये भी आपको कंजंक्शंस में पता लगेगा। अब देखिए, आपने देखा हु के आगे ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है और विच के आगे ब्रैकेट में एन एल लिखा हुआ है। थोड़ा समझ जाइए कि इनका मतलब क्या है। एल मतलब लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, एन एल मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का क्या मतलब होता है, निर्जीव। यानी सजीव के साथ हु लगेगा और निर्जीव के साथ विच लगेगा। इसी तरह से हुज, हुज मतलब किसका या जिसका, ऑफ विच मतलब किसका या जिसका। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको यहां पर सिर्फ इन्हें याद करना है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जब सेंटेंसेस सामने आएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहां पर हु लगना है और कहां पर विच, कहां पर हुज लगना है और कहां पर ऑफ विच। फिलहाल आप इन्हें याद कर लीजिए। वेयर, वेयर मीन्स कहां या फिर जहां। हुम, हुम मतलब किसे, जिसे, किसको या जिसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, जहां से। फॉर व्हाट, किस लिए, जिस लिए। व्हाट फॉर, किस लिए, जिस लिए। किस लिए के लिए फॉर व्हाट और व्हाट फॉर दोनों का यूज किया जाता है। इसी तरह से जिस लिए के लिए भी दोनों का यूज किया जाता है कंजंक्शंस में। नेक्स्ट है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन मतलब कब से, किसी निश्चित समय से जब पूछा गया हो तब सिंस व्हेन का यूज किया जाता है। और अगर अवधि के बारे में पूछा हो तो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है। और फ्रॉम व्हेन का भी वही मतलब है, कब से, इसे भी यूज किया जा सकता है। देखिए समझिए, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आप कब से खाना खा रहे हो। अगर मैं निश्चित समय के बारे में पूछ रहा हूं तो मैं सिंस व्हेन का यूज करूंगा, और सिंस व्हेन का अगर यूज करूंगा तो आपका उत्तर यानी आपका रिप्लाई भी निश्चित होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो, तो आपको आंसर भी निश्चित समय के हिसाब से देना होगा। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। और अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो इसका मतलब तो सेम है, सेंटेंस सेम है कि आप कब से खेल रहे हो, लेकिन मैं यहां पर आपसे निश्चित समय के बारे में नहीं, बल्कि मैं समय की अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे, मान लीजिए आप 2 बजे से खेल रहे हैं और अभी 4 बज रहा है, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, तो आप कहेंगे फॉर 2 आवर्स। यानी सेम सेंटेंस आपने दो अलग अलग तरीके से आंसर किया, क्योंकि मैंने दो अलग अलग तरीकों से पूछा। पहले मैंने पूछा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आपने कहा सिंस 2 o'clock। फिर मैंने पूछा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो आपने कहा फॉर 2 आवर्स। तो ये फर्क होता है कब से में। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो बुक आती है englishwale.com की, आप उसे परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अक्सर कॉम्पिटिशन्स में भी आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विद हुम, विद हुम किसके साथ या जिसके साथ। फॉर हुम किसके लिए, जिसके लिए। विदाउट हुम किसके बिना, जिसके बिना। अबाउट हुम किसके बारे में, जिसके बारे में। बाय हुम किसके द्वारा या जिसके द्वारा। टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ या जिसकी तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैसे या जैसे। अंटिल व्हेन कब तक या जब तक। मैं मान लीजिए आपसे पूछूं अंटिल व्हेन आर यू हियर, आप कब तक यहां हो, अंटिल व्हेन आर यू हियर। तो यहां पर अंटिल व्हेन का यूज किया जाएगा। आप इन्हें रट लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए।
हाउ मैनी का यूज कब किया जाता है? कितने या जितने, काउंटेबल के साथ। काउंटेबल मतलब गणनीय, जिन्हें गिना जा सके। ये बात आप काउंटेबल नाउन के वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाउ मच, कितना या जितना। अनकाउंटेबल के साथ अगणनीय, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आप कहें कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स, क्योंकि पेन को आप गिन सकते हैं। कितनी किताबें, क्योंकि किताबों को आप गिन सकते हैं, तो आप कहेंगे हाउ मैनी बुक्स। अगर मैं कहूं कितना पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, इस तरह से आप गिन नहीं सकते, तो आप कहते हैं हाउ मच वॉटर। तो कहीं पे मान लीजिए प्रश्न आए, कोई क्वेश्चन आया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चों को आप गिन सकते हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे, तो यहाँ पर हाउ मैनी का यूज करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। या मैं आपसे पूछूं ग्लास में कितना पानी है, तो कितना पानी, पानी को गिन नहीं सकते, हाउ मच वॉटर इज देयर इन द ग्लास। ये कॉन्सेप्ट आपका हाउ मैनी और हाउ मच का कॉन्सेप्ट भी एक अलग वीडियो लेक्चर में आपको समझाया गया है, आप उसे समझिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ क्यूट। कहीं पे मान लीजिए सेंटेंस में पूछा गया कितनी प्यारी, तो आप कहेंगे हाउ क्यूट। कितना दूर, हाउ फार। कितना अच्छा, हाउ गुड। कितना लंबा, हाउ लॉन्ग। कितनी जल्दी, हाउ सून। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। पुराना हो चाहे बड़ा हो उम्र में, हाउ ओल्ड ही कहते हैं। वट एवर, जो कुछ भी। वट सो एवर, जो कुछ भी। हुएवर, जो कोई भी। हुसो एवर, जो कोई भी। विच एवर, जो कुछ भी। विच सो एवर, जो कुछ भी। यहाँ पर सो लगाया, बीच में सो लगाया। देखिए वट एवर के साथ सो लगा दिया बीच में, वट सो एवर बात एक ही है। हुएवर के साथ सो लगाया, बात एक ही है, मीनिंग सेम है, बस लगाने का एक अंदाज है। विच एवर, विच सो एवर, जो कुछ भी। वेन एवर मीन्स जब कभी। हाउ एवर मीन्स जैसे भी या फिर भी। हाउ एवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक कंजंक्शन भी है। जब आपको कंजंक्शन चैप्टर में हाउ एवर समझाया जाएगा तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इसे किस तरह से यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हुम एवर, जिसे भी। हुम सो एवर, जिसे भी। वट एल्स, और क्या। वाई सो, ऐसा क्यों। वेयर एज, जबकि। एट वट टाइम, किस समय। हाउ कम, कैसे या किस तरह। वेंस, कहां से या जहां से। वट टाइप ऑफ, किस तरह का। वट सॉर्ट ऑफ, किस तरह का। विच टाइप, किस तरह का। वट देन, तो क्या। इन वट वे, किस तरह से। एट वट वे, किस तरह से। इन विच, किस में या जिसमें। मुद्दा ये नहीं है कि आप इन्हें सिर्फ याद कर लें, याद करने के पीछे कारण है।